हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। 15 राज्यों की परमानेंट वैकेंसी की बात करेंगे इस वीडियो में। नया एडवर्टीजमेंट जिसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता इसमें केवल स्नातक मांगी गई है। आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी जो है इसमें 35,200 प्लस बेसिक पे, साथ में HRA PF और अदर बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। वैकेंसी LIC की तरफ से है। आयु क्या कही गई है, कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन जो है कहां से हम देखेंगे, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। नोटिफिकेशन में आयु क्या कही गई है, कैसे अप्लाई करना है, बाकी पूरा प्रोसेस जानेंगे। बहुत ध्यान से जो है वीडियो देखिएगा। चैनल पर आप लोगों को जितने भी शिक्षक भर्ती के एडवर्टीजमेंट जारी होते हैं, चाहे वह सरकारी हो, प्राइवेट हो, या फिर ऐसे डिपार्टमेंट की वैकेंसी जिसकी सूचना आप लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बिल्कुल बताया जाता है। साथ में ऐसी वैकेंसी जहां केवल 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या 12th पास या ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को समय समय पर बताया जाता है ताकि कैंडिडेट अप्लाई कर सके। यदि आप वैकेंसी सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन YouTube की तरफ से आप लोगों को बिल्कुल मिल सकेगा। कई बार ऐसे होता है कि YouTube जो है नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं भेजता है। जैसे आज वीडियो बनाया है तो आप लोगों को सूचना कल तक मिल जाए, ऐसा बहुत बार जो है हो जाता है। तो ऐसे में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लेटेस्ट जितने भी वीडियो हैं 1 वीक के, तो उन्हें ज़रूर देखें। हो सकता है आपकी वैकेंसी उसी में रही हो और लास्ट डेट निकल जाए, तो वीडियो जो है रेगुलर देखते रहें। LIC HFL LIC हाउसिंग फिनांस लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है, सरकारी परमानेंट जॉब है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे LIC housing.com, तो यहां पर सबसे ऊपर करियर सेक्शन है, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताती हूं स्टेप बाय स्टेप। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं किसी भी वैकेंसी में, सबसे पहले जो है पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा करें। जो भी ज़रूरी बातें होती हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ बिल्कुल। यहाँ पर जो है टू व्यू एडवर्टीजमेंट क्लिक हियर, इस पर जो है क्लिक करना है, तो ये जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। 19 पेजेस का है। इसमें वैकेंसी जो है जूनियर असिस्टेंट की है, जूनियर असिस्टेंट की है। केवल इसमें स्नातक मांगा गया है। भारत में किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी स्टेट वाइज दी हुई है, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये वैकेंसी है, कुल जो है वो 200 वैकेंसी है। और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, उसके बाद कर्नाटक में है। एक बार जो है सैलरी को समझें। आपकी सैलरी जो है इस रेंज में होगी 32,000 से लेकर 35,200। अब ये अलग अलग क्यों रहेगी, ये डिपेंड करेगा प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है, सिटी कैटेगरी बेस्ड, ठीक है। जैसा शहर होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सैलरी रहेगी। ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड रहेंगी उसमें, HRA, अदर बेनिफिट एंड PF, ठीक है, ये आपको अलग से मिलेंगे। तो यहाँ पर ये भी चीज़ बिल्कुल चार्ट में दिखा दी गई है। जैसे कि बहुत बड़ी सिटी है तो उनको कैटेगरी 1 में रखा गया है, वहाँ बेसिक पे 20,000, बेसिक पे सभी में समान रहेगी, सिटी कैटेगरी 1, 2, 3 तीनों में। HRA जो है, जो अच्छी सिटी होंगी, बड़ी सिटी होंगी, 4,400 रहेगा। अदर बेनिफिट उसमें 8,400 रहेगा। प्रोविजन फंड जो है 2,400 रहेगा। टोटल मंथली इनकम इसमें 35,200 रहेगी। एनुअल इनकम जो है इसमें आपकी देखिए 4 लाख से अधिक है। सैलरी इन हैंड मंथली में, मंथ में आपको जो है कितना हाथ में आएगा, तो 32,800 इस तरीके से आपकी सैलरी जो है इन्होंने बताई है एक चार्ट में। और भी जो है कई बेनिफिट, मेडिकल है, ग्रेजुटी है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, हाउसिंग लोन है, ये सारी चीज़ें भी रहने वाली है। प्रोबेशन पीरियड जो है वो 6 माह का रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडियन होने चाहिए,
एज 21 से 28 वर्ष, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन आपकी 60% मार्क्स के साथ में किसी भी सब्जेक्ट से, कंप्यूटर लिटरेसी थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डिप्लोमा, कोई भी डिग्री कंप्यूटर से संबंधित है। वर्क एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले काम किया हुआ है इस फील्ड में तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। एज जो है यहाँ पर आप देखें, ये जो डेट दी हुई है 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2003, इसके बीच में आपका बर्थ डेट होना चाहिए। उन्नीस पेजों की ये पीडीएफ फाइल है, बहुत ध्यान से आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़नी है। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। जूनियर असिस्टेंट का पद है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा और एक इंटरव्यू रहेगा। 120 मिनट का होगा, केवल इंग्लिश में जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल अवेयरेंस, मैथ्स, कंप्यूटर स्किल, ठीक है, ये पूछा जाएगा 200 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें रहने वाली है 0.25, उसके बाद जो है इंटरव्यू रहेगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी, जो आपने रिटर्न में जितने भी मार्क्स लिए हैं, इंटरव्यू में जितने मार्क्स लिए हैं उसके आधार पर। अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। 25 जुलाई 2024 से लेकर, यानी कल से ही आवेदन स्टार्ट है, 25 जुलाई 2024 से लेकर 14 अगस्त 2024 तक आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, अभी आप लोगों को बता दूंगी। और भी देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो। एप्लीकेशन फीस जो है आप किसी भी कैटेगरी के हैं, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी, सभी की एप्लीकेशन फीस समान है, 800 रुपीज है एप्लीकेशन फीस, ठीक है। तो सभी मैंने आप लोगों को बता दिया, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस बाय ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन ही आप लोगों को फीस देनी होगी। कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एग्जाम जो है सेंटर कहाँ होंगे, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान में भी है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो देखिए आप लोगों को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम सेंटर आपके ही जो है राज्य में, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, राजस्थान के कैंडिडेट बिल्कुल देख लें, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कैंडिडेट देख लें, आपके ही जो है पास में आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, नज़दीकी जो है सेंटर का नाम डालेंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे जो है अप्लाई करने का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। तो जब आप करियर सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा, उसके बाद इसके आगे ही आप देखें टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर, अप्लाई करने का ऑप्शन है, ठीक है, तो इस पर जो है आप लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखें क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को बिल्कुल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये पूरी जानकारी, केवल ग्रेजुएशन मांगी गई है यहाँ पर, ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। यदि आप ग्रेजुएट पास हैं और आपने किसी भी तरीके का कोई कंप्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आप बिल्कुल आवेदन यहाँ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल परमानेंट रहेंगे आप लोग,
और सैलरी के साथ में जितने भी अदर बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से रहते हैं वो सभी आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में। थैंक यू।